हरियाणा की सोनीपत लोकसभा सीट के नतीजे सामने आ गए हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसका रिजल्ट आने पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लगातार दो चुनावों से जीतती आ रही बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के मोहनलाल बडौली को 21,816 वोटों से हराया है। सतपाल को कुल 5,48,682 वोट मिले हैं, जबकि मोहनलाल बडौली को 5,26,866 वोट हासिल हुए हैं। जिसके बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता और समर्थकों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। की जनता को, 36 बिरादरी को, सभी धर्मों का पालन करने वालों को ये जीत की बधाई देना चाहता हूँ। और उन्हीं लोगों की जीत है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, गरीब की, सब लोगों की जीत है। समस्या कोई भी समस्या सामने नहीं आई। मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरे लीडरशिप को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो लोगों ने सम्मानित मतदाताओं को कि कम समय में मेरा इतना साथ दिया कि मैं जीवन भर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभारी रहूंगा। हाईकमान का, हमारे प्रदेश हाईकमान का, सबका मैं आभारी हूँ। ब्रह्मचारी जी, दो योजनाओं से यहाँ बीजेपी के एमपी थे रमेश कौशिक, क्या कमियां आप मानते हैं कि बीजेपी की रही जिस कारण आप ज्यादा जीते? देखो, मैं उन कमियों में भी नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो अपना आगे देखता हूँ भाई, ठीक। फिर भी क्या और विकास कार्य सोचे तो सबसे पहले विकास कार्य हरियाणा में श्रीमान श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत जल्दी आज आपने रिजल्ट देख लिया पूरे देश का। और कांग्रेस आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी और विकास की गंगा हरियाणा में बहेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ सोनीपत के कई काम है, मेट्रो का मैंने हमेशा बोला है और मैं पवार साहब के साथ स्टेशन पर दो बार गया तो हर नागरिक की, हर जा पैसेंजर की ये शिकायत थी कि यहाँ दो गाड़ियां नहीं रुकती सवेरे। सबसे पहला काम तो उन दो गाड़ियों को रुकवाने का और मेट्रो के लिए काम करेंगे। जब मेरठ तक जा सकती है, इधर रोहतक तक आ सकती है तो सोनीपत क्यों नहीं। ये मेरा काम नहीं है भाई, मैं तो बहुत कम उम्र में और बहुत पहली बार सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर विजय हुआ हूँ। ये हाई कमान का काम है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है ब्रह्मचारी जी, ड्रामा सेंटर जो बहुत दिन से लंबित है, क्या उसकी फाइल आगे सरकेगी 10 साल तक? दौड़ेगी, सरकेगी नहीं, वो फाइल दौड़ेंगे यार। जो पहले काम नहीं हो पाए हैं इन 5 वर्षों में, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरी कोशिश आप सबसे मिलकर के, हमारे ये 5-6 विधायक यहाँ पर हैं और अपराध का भी बढ़ रहा है, अपराध जो है कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने के लिए, खासकर कहीं गुटबाजी नहीं है। 5 लोकसभा जीतने का बहुत बड़ा काम हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी महोदय के साथ मिलकर के इतना बड़ा काम हरियाणा की जनता ने, ये कांग्रेस का साथ दिया है। आने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपसे दावे से कहता हूँ। आपको बता दें कि पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस जाट बहुल्य सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद हाईकमान से सतपाल ब्रह्मचारी के नाम की सिफारिश की थी, जो बिल्कुल सही साबित हुई और हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले बरोदा हल्के से सतपाल ब्रह्मचारी को सबसे बड़ी लीड मिली। वहीं जुलाना और खरखोदा से मिली लीड ने उनकी जीत को और भी आसान बना दिया। वहीं जनता की माने तो सोनीपत में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण भीतरघात रहा। इस पर सतपाल ब्रह्मचारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, लोग जनता समझ चुकी है और सरकार भी ठीक है, बहुमत के पास चले गए, लेकिन कांग्रेस ने और हमारा जो अलायंस संगठन था उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा है और काफी सीटें अब आप देख रहे हैं, पूरा मैंने पूरा देखा भी नहीं है लेकिन 250 के आसपास बताते हैं कि इस अलायंस की जो इंडिया अलायंस है 250 के आसपास उनके सीटें आएंगे और आने वाले समय में सरकार भी बन सकती है, क्योंकि अब भाजपा में भगदड़ मचेगी, मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ। मुद्दा ऐसा रहा ब्रह्मचारी जी, जिसे आप मानते हैं कि कांग्रेस गुना पाई और बीजेपी उस मुद्दे पर पीछे? देखिए, 2 करोड़ नौकरियां बोला था,
किसी भाई को नौकरी मिली। फिर मिलिट्री में हमारे जवान, खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के जो जवान मिलिट्री में अपना भर्ती होते थे और अपना कारोबार चलाते थे, अपने घर को चलाते थे, उसको अग्निवीर में बदल दिया। 3 साल की कोई नौकरी होती देश में? और किसानों का अपमान आपने देखा होगा, हमारे सरपंचों का अपमान, सर्विस करने वाला कोई भी कर्मचारी आंदोलन करता था, लठों से पिटाई होती थी। उसी का कारण आज कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं पुनः फिर दोहराना चाहता हूँ, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। वहीं सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि अब उनका मुख्य मकसद सोनीपत में मेट्रो लाना होगा और नेशनल हाईवे 44 क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर बनाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय हरियाणा कांग्रेस का होगा, जिसमें कांग्रेस प्रदेश में नए आयाम स्थापित करेगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।